बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव खरकन नगला में विगत 4 माह पूर्व कुछ दबंगों ने पीड़ित के पुत्र की पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। पीड़ित पर दबाव बना नहीं मानने के लिए पीड़ित को लाठी डंडों से पीट पीट कर घायल किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज जारी है। एटा के अलीगंज क्षेत्र के झकरई गांव में ट्यूबवेल के बोरवेल में काम करते समय 40 वर्षीय व्यक्ति भैयालाल पुत्र राजेंद्र सिंह की फंसने से दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति ट्यूबवेल के बोरवेल में पंप को सही करने के लिए अंदर उतरा था, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजाज बाइक एजेंसी के सामने खाली प्लॉट में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का एक शव बरामद हुआ है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृतक युवक कल देर शाम घर से नाराज होकर कहीं चला गया था। परिजन लगातार खोजबीन कर रहे थे। पुलिस युवक की मौत के कारणों की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। अमरवाड़ा धर्मनगर में पर्युषण पर्व के शुभ आगमन पर जैन मंदिर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अमरवाड़ा जैन मंदिर में ब्रह्मचारी दिव्यानंद जी महाराज के वर्षावास के दौरान मंगल पर्युषण पर्व के अवसर पर सुबह से ही धार्मिक आयोजन हुए हैं। मंदिर में देवांगी पूजा, मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, सुभाती मंगल प्रवचन आदि हुए। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चक हैबतपुर गांव में बच्चे के जन्म के महज 15 दिन के बाद महिला का घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर शव लटका मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। महिला की मौत से दूध मुहे बच्चे सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदा के रहड़गा थाना क्षेत्र में 11 साल पहले गुम हुए शख्स को दिल्ली से ढूंढकर हरदा लाया गया है। इस मामले में 7 साल पहले शख्स के परिजन ने 5 लोगों पर हत्या और शव को छिपाने के आरोप में मामला दर्ज कराया था। एसपी ने बताया कि लापता युवक बचपन से ही महिलाओं की तरह व्यवहार करता था, जिस कारण वह घर से भाग गया और करीब 5 साल से दिल्ली में किन्नरों के साथ रह रहा था। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में हत्या के मुख्य आरोपी के निर्माणाधीन मकान की दीवार पर बुलडोजर चला है। थाना क्षेत्र के ग्राम खेमपुर निवासी रिजवान पुत्र अबरार के अवैध रूप से निर्मित दीवार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। रिजवान पाली थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुए अमन हत्याकांड का मुख्य आरोपी है रिजवान। जांजगीर में कांग्रेस नेता पंचराम यादव पत्नी और 2 बेटों की बेटों को श्रद्धांजलि देने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है। महंत ने दुख के वक्त में साथ होने की बात कही है। कांग्रेस नेता ने पत्नी और 2 बेटों के साथ सुसाइड किया था। कासगंज जनपद में बीते दिनों हुई महिला अधिवक्ता मोहनी तोबर की हत्या के मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और महिला अधिवक्ता की हत्या करने वाले हथियारों के लिए सड़कों पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हथियारों को सरकार से फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज बना दलालों का अड्डा। शाम ढलते ही सैकड़ों दलाल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी एमसीएच वार्ड, जनरल वार्ड और मुख्य गेट और आगे आसपास डरा डाल लेते हैं। डॉक्टर मरीजों को मामूली बीमारी होने पर हायर सेंटर रेफर करने के नाम पर निजी अस्पतालों में पहुंचा देते हैं। मेडिकल कॉलेज के परिसर में दलाल और स्वास्थ्य कर्मियों की मिलीभगत से मरीज को लूटने का काम होता है। यादव समाज यदवंशी संगठन भिंड की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परम पूज्य पिता स्वर्गीय पूनम चंद यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आज वृद्ध आश्रम में रखी गई थी। श्रद्धांजलि सभा में संभागीय अध्यक्ष अंशु यादव ने कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो संदेश दिया गया था, मृत्यु भोज को बंद किया जाए, उसका उन्होंने स्वयं पालन किया। देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। ईंट से कुचलकर हत्या की संभावना जताई जा रही है। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। घटना के संबंध में सघन जांच करते हुए मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषि पंचमी के अवसर पर जावत तहसील के अंतर्गत आने वाले सुखानंद तीर्थ पर हजारों की संख्या में भक्तों की संख्या देखने को मिली है। बताया गया है कि ऋषि पंचमी के अवसर पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे भोले शंकर प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। आजमगढ़ से सपा सांसद रविवार को मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में शिरकत की। सपा कार्यकर्ताओं ने
ने सांसद धर्मेंद्र का खंडेलवाल सेवा सदन में स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही एनकाउंटरों पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सवाल खड़े किए। बटियागढ़ मगरून थाना अंतर्गत फतेहपुर चौकी क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के साथ चौकी पहुंची पीड़िता ने पड़ोसी युवक पर ही दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र हिरवार पर दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जांजगीर के नेताजी चौक के पास नगरपालिका की लापरवाही का खामियाजा एक परिवार को उठाना पड़ रहा है। बारिश होने के बाद सड़क का पानी दुकान और घर में 1 फीट तक पानी भर गया था। इस तरह घर के लोग घंटों परेशान रहे। पड़ोसियों की मदद से दुकान और घर के पानी को बाहर निकाला। मामले में नगरपालिका में शिकायत करने की बात कही है। 3 जिलों से बातचीत चल रहा 25,000 शातिर लुटेरा मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। थाना नई मंडी के मखियाली के जंगल में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने आरोपी से हथियार और लूट की वारदातों में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को पुलिस ने कस्टडी में लिया, जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सहारनपुर विद्युत विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क पर लटकती जर्जर एसटी लाइन से हादसा हुआ है। करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। थाना सरसावा क्षेत्र के हसनपुर घखोड़ का मामला है। सीतापुर जिले के तंबौर सीएससी में जमकर लात घूंसे चले हैं। एसीएफ की ट्रेनिंग में एसटीएस समीर तिवारी का पारा हाई हो गया। आशा संगनी व उसके पति की लात घूंसे से पिटाई कर दी है। क्षय रोग सर्वे के मीटिंग के दौरान ये घटना घटित हुई। तभी सर्वे सामग्री मांगने पर एसटीएस समीर तिवारी व आशा संगनी के बीच कहासुनी हो गई। आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। भक्तों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। धमतरी जिले के गढ़ डोगरी में भगवान श्री गणेश जी के बरसों पुराना प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा है, जो करीब 200 साल पुरानी है। इस मंदिर में जो कोई भक्त सच्चे मन से मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, भगवान गणेश उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। दुर्ग के नंदनी थाना इलाके में गणेश पंडाल में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया है, जिसमें 3 भाइयों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में जनता दरबार लगाया है। मंदिर परिसर में सीएम योगी ने 400 लोगों की समस्याएं सुनी। कुर्सियों पर बैठ लोगों तक सीएम खुद पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनसे प्रार्थना पत्र लिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का पारदर्शी और निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। सूरजपुर के गिरवरगंज में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसडीएम ने गैर इमारती लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है। हरे भरे गैर इमारती पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं लिया गया है और न ही पेड़ों की कटाई के संबंध में कोई वैध दस्तावेज इनके पास मिले हैं। फिलहाल आरोपियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के लालगंज रियो वर्ल्ड अकेडमी कॉलेज में भगवान गणेश की प्रतिष्ठा की गई है। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक गीतों की प्रस्तुति दी है। रियो वर्ल्ड अकेडमी की प्रधान अध्यापिका अपर्णा सिंह ने बताया है कि पिछले 4 साल से गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोलकाता दुष्कर्म मामले के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के साथ साथ एमपी मेडिकल ऑफिसर संगठन ने भी डॉक्टर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के डॉक्टर अब ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टर को अपनी पेशेवर और प्रशासनिक जिम्मेदारी शक्ति के साथ निभाने की सलाह दी गई है। बदायूं में दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बदायूं में उसेहत कस्बा से तमंचा दिखाकर एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने घटना के 5वें दिन परिजनों के साथ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर में एक महिला ने प्रेमी के कहने पर उसने 2 लोगों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। आरोपी पत्नी ने बताया कि प्रेमी ने 2 युवकों को भेजा था, मैंने पति का पैर पकड़ा था और उसने
पति का हाथ और दूसरे ने गला दबाकर पति की हत्या कर दी थी। मृतक की बहनोई की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिवनी के किंदवई थाना क्षेत्र के पलहरा गांव में पुराने विवाद के चलते 40 वर्षीय युवक की हत्या कर तालाब में फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी और मृतक गांव के पास तालाब में मछली पकड़ने गए थे, उसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। आरोपी ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। देवास युवा किसान संगठन सोयाबीन की एमएसपी को लेकर देवास बायपास पर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों की मांग थी कि सोयाबीन की एमएसपी 8000 रुपए की जाए। किसानों ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश से हैं, परंतु महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक में एमएसपी पर खरीदी की घोषणा कर दी है, परंतु मध्य प्रदेश में अभी तक घोषणा नहीं की गई है। पुलिस द्वारा ऑपरेशन गिरफ्तारी के तहत सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी के स्तर पर टीमों का गठन कर सनसनीखेज अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में कार्रवाई करते हुए जनपद के सबस्त थाना व कोतवाली द्वारा 164 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आजमगढ़ पुलिस लाइन में मीडिया ब्रीफिंग कर इन सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। सरगुजा में मां कुदरगढ़ी एलुमिना प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। यहां कोयले से लोड हापर और करीब 150 फीट बेल्ट गिर जाने से 7 से 8 मजदूर दब गए हैं। काफी मशक्कत के बाद 3 मजदूरों को निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं बंकर के नीचे दबे अन्य मजदूरों को निकालने के लिए प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रथम चरण के सदस्यता अभियान को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है, और यही वजह है कि आज राजधानी लखनऊ के प्रदेश भाजपा कार्यालय से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का एक रथ रवाना किया गया है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उमर अब्दुल्ला के बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला का बयान अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है। उनका घोषणा पत्र भी इसी ओर इशारा करता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि वे एक आतंकवादी के साथ खड़े हैं जिसने संसद पर हमला किया है। कांग्रेस पार्टी को भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वे लोग उमर अब्दुल्ला के इन बयानों के सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विपक्ष हमलावर है। विपक्ष मंत्री जोशी पर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस आरोप के लिए अपने लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा है कि जब भी मेरे खिलाफ इस तरह से कोई आरोप लगता है तो इसका मुझे फायदा होता है। रतलाम में गणेश प्रतिमा जुलूस पर पथराव के मामले में पुलिस ने किन्नर गुरु काजल और लखन राजवानिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सारे सीसीटीवी चेक किए गए हैं, लेकिन अभी तक जुलूस पर पथराव की बात सामने नहीं आई है और आगे की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने 1231 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम ने कटहरी बाजार में बाईपास और सुहेलदेव किले के पुनरुद्धार और स्मारक बनाने की भी घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर हमला बोला। अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि संभल जिले के रहने वाले दोनों युवक बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान काला खेड़ा पुल के पास कार सवार ने उन्हें टक्कर मार दी और आरोपी कार चालक छोड़कर मौके से फरार हो गए। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। जहां एक ओर बीजेपी ने इसे अच्छा कदम बताया है तो दूसरी ओर कांग्रेस इसका अचमकर विरोध कर रही है। वहीं सरकारी कर्मचारी भी इस पर कोई टिप्पणी करने से बस से दिख रहे हैं। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने आज उर्दू और फारसी शब्दों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि आगामी इलाहाबाद कुंभ में हम पेशवाई और शाही जैसे शब्दों का प्रयोग न करके संस्कृति और हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे। कोरबा जिले के बांगू थाना इलाके के कोरकोना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने ही बड़े भाई की
हत्या कर दिया है और शव को गांव के पास ही दफना दिया है। घटना का खुलासा दो दिन बाद हुआ है जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के आरोपी की निशानदेही पर एसडीएम की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला। धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ अपनी परंपराओं को लेकर जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में आज नुआखाई पर्व भी धूमधाम से मनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रदेशवासियों को नुआखाई की बधाई दी है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र के जन्म शताब्दी पर सतना में हाफ मैराथन का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया है। मैराथन में 96 जिले के धावकों ने भाग लिया है। इस मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर तक का दायरा तय किया गया है। राजधानी भोपाल में अनोखे पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा है। इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डालने का काम ऊपर जेल के कैदी करते हैं और हर दिन करीब 500 रुपए की कमाई करते हैं। मैनेजर के रूप में एक प्रहरी इस पंप की देखरेख के लिए भी रखा गया है, लेकिन ये सच है कि जन्माष्टमी के खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पंप का उद्घाटन किया है। मझौली थाना अंतर्गत ग्राम खबरा के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया है जहां आपस में दो बाइक सवारों की भिड़ंत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सुनवराहा निवासी संतोषपुरी गोस्वामी नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में 4 लोग घायल हैं जिनको मझौली के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के नरेना गांव में एक्सीडेंट में बाइक सवार की मौत हो गई है। आपे की टक्कर लगने से बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों द्वारा पुलिस और एम्बुलेंस 108 को सूचना दी गई, जिसके बाद घायल विनय मिश्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। आज रुड़की के खाता केड़ी गांव में जन कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने लगभग 70 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। इस मौके पर मौजूद रहे ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा है कि क्षेत्र के सभी युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर शिविर में हिस्सा लिया और 70 यूनिट ब्लड शिविर में डोनेट किया। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में देर रात गणेश जी की झांकी देखने जा रहे एक्टिवा सवार युवक पर बदमाशों ने कट्टे से फायर कर दिया है। गोली युवक की कमर में लगी है। इलाज के लिए उसे चूना भट्टी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास का भी निर्णय लिया है। जशपुर जिले में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं ट्रक चालक मौके से भाग निकला है। हादसा ग्राम घमरिया के लकड़ी डिपो के पास हुआ है। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। रायगढ़ दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में मीडिया से बात की है। इस दौरान सीएम ने चक्रधर समारोह को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गरिमामयी वातावरण में चक्रधर समारोह का शुभारंभ हुआ है। वहीं सीमेंट के बड़े दामों के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम साय ने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष में है और वे अपना धर्म निभा रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ हल्द्वानी में कांग्रेस ने चूड़ियां दिखाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने बेटियां बचाओ का नारा लगाते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक सुमित हृदेश ने कहा है कि सरकार में बैठे लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। प्रदेश में सरेआम महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है और अपराधी बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं।